एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि सागर मध्य प्रदेश में स्थित है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करेंगे, इसके सारे कोर्सेस, इसमें क्या एडमिशन प्रोसेस होती है, क्या फी स्ट्रक्चर होता है, प्लेसमेंट किस तरीके से होता है। आज हम इस वीडियो में सारी चीज़ें जानने वाले हैं। मैं आपको एक बात बता दूँ कि डॉक्टर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिलती है। वेबसाइट पे भी आप सर्च करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या आप ऑप्ट कर सकते हैं और कौन कौन से बेस्ट कोर्सेज होते हैं। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। मैंने देखा है कि क्या होता है यूनिवर्सिटी के बारे में, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। और ये यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये एक काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि मैं खुद इस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दूंगी वो काफ़ी रिलायबल रहेगी और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और साथ ही मैं आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आगे भी आपको यूनिवर्सिटी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताती रहूँगी। और आपको ये भी बताऊँगी जब इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो सारी डिटेल्स मैं आपको देती जाऊँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में आईडी मिल जाएगी। साथ ही मैं आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को और जानते हैं कि क्या डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर हम एक छोटी सी हिस्ट्री की बात करें, थोड़ी सी, तो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, इसे हम सागर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब ये यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी तब इसे सागर यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया था। बाद में इसका नाम बदल के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया था, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना सर हरि सिंह गौर जी ने ही करी थी। सो दिस यूनिवर्सिटी वॉज फॉर्मली नेम्ड सागर यूनिवर्सिटी ऑन 18th जुलाई 1946 ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। इन फेब्रुवरी 1983 इट्स नेम वॉज चेंज टू डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी हु इज द यूनिवर्सिटीज फाउंडर। ठीक है, अब इस यूनिवर्सिटी, ये सबसे ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश की और ये काफ़ी अच्छी रैंक रखती है। अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करें तो यूनिवर्सिटी की जो रैंक है वो सागर में, सागर डिस्ट्रिक्ट में पहली रैंक पर है। अगर हम एमपी की बात करें तो वो 6वें रैंक पर है और अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो 208 इसकी रैंक है। तो काफ़ी अच्छी रैंकिंग है इस यूनिवर्सिटी के। साथ ही में ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। तो आप सभी इसके बारे में वेबसाइट पर जाके और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ये जो आपको इमेज दिख रही है ये सिर्फ एक लाइब्रेरी है, ये सिर्फ हमारी लाइब्रेरी है, वहाँ की इमेज है। बाकी ये जो यूनिवर्सिटी है ये काफ़ी सारे एरिया में स्प्रेड है। मैं आपको इसके बारे में और भी डिटेल्स बाद में देती जाऊँगी। अगर हम डिपार्टमेंट्स या स्कूल्स की बात करें तो यूनिवर्सिटी जो है हर लेवल के, दैट मीन्स बैचलर, मास्टर्स, डॉक्टरेट, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेस, हर लेवल के कोर्सेस ऑफर करती है। और इवन इट आल्सो ऑफर्स सम डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स एंड दिस यूनिवर्सिटी हैज सेवरल डिपार्टमेंट दैट ऑफर्स स्पेशलाइज्ड कोर्सेस इन द फॉलोइंग फील्ड्स एंड डिसिप्लिन। So let's talk about the fields and the disciplines which you can opt after your class 12th or after your graduation or post graduation. So there are so many courses जो आप opt कर सकते हो और काफ़ी सारे courses के बारे में आपको नहीं पता होगा जो ये university offer करती है, क्या उसका fee structure है। आज हम सारी चीज़ें discuss करने वाले हैं और ये जो भी detail दी जा रही है ये बिल्कुल correct detail है और हम कोई भी course miss नहीं करने वाले हैं। सो लेट्स सी द कोर्सेज। सबसे पहला कोर्स और सबसे अच्छा कोर्स जो इस यूनिवर्सिटी का है, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स, देयर आर सो मेनी कोर्सेज जो बहुत अच्छे माने जाते हैं इस यूनिवर्सिटी के, सो दिस इज वन ऑफ देम, बी फार्मा, दैट इज बैचलर ऑफ फार्मेसी। ये जो कोर्स है ये बहुत अच्छा कोर्स है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये यूनिवर्सिटी बी फार्मा को लेके। इसका एवरेज ड्यूरेशन इज 4 ईयर्स, एवरेज फीस जो होती है इट इज 15,000 पर सेमेस्टर, 15,000 रुपये पर सेमेस्टर लगता है और 4 साल का है इसीलिए इसमें 8 सेमेस्टर्स होते हैं। अगर आप फार्मेसी करना चाहते हो तो मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट इसके लिए 10+2 इन PCB और PCM होना चाहिए, मिनिमम परसेंटेज 50% इन 12th
और सिलेक्शन जो होगा वो हमेशा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस लेवल एग्ज़ाम के थ्रू होगा। इसकी जब डेट आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। ये सारी डिटेल थी अगर आप फार्मेसी करना चाहते हो तो। आप इसके बाद एमफार्मा भी कर सकते हो, तो कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीएससी बैचलर ऑफ साइंस। अब बैचलर ऑफ साइंस में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आपको सिर्फ क्या करना होता है, आप सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम फिल करेंगे बीएससी के लिए, ठीक है। बीएससी इफ यू हैव चूजन बायोलॉजी देन यू हैव टू फिल द एंट्रेंस फॉर्म विथ बायोलॉजी, दैट इज बीएससी बायोलॉजी ग्रुप। और इफ यू हैव टेकन मैथ्स देन यू हैव टू फिल द फॉर्म विथ बीएससी मैथ्स ग्रुप। तो दोनों अलग अलग होते हैं। मैथ्स ग्रुप अगर आप चूज़ करोगे तो उसमें आपको फिजिक्स का पोर्शन ज़्यादा आता है और मैथ्स आती है। अगर आप बायोलॉजी चूज़ करते हो तो उसमें आपको बायोलॉजी का पोर्शन ज़्यादा आता है। तो आपको जो भी सब्जेक्ट आपने ग्रेड ट्वेल्थ में लिया हो, आप वो उससे उस सब्जेक्ट से बीएससी का फॉर्म फिल कर सकते हो। और जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे फिर जो आपके मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे आपको सब्जेक्ट अलॉट होते हैं, ओके। अगर आपके ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप चूज़ कर सकते हो सब्जेक्ट्स को। और हमेशा आपको जो भी सब्जेक्ट्स रहेंगे वो तीन तीन के पेयर्स में रहते हैं, तो तीन सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने होते हैं। तो आप यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं जो आप चूज़ कर सकते हो, दैट इज़ फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट, ये सबसे अच्छा कोर्स है और सागर यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा फेमस है फॉरेंसिक साइंस के कोर्स को लेके, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। इसकी जो फीस होती है दैट इज़ एवरेज, आई एम टेलिंग यू, इट इज़ बिलो 3000 पर सेमेस्टर, ठीक है। सेकेंड इज बायोटेक्नोलॉजी, बट बायोटेक्नोलॉजी में यूजी नहीं होता है, आप सिर्फ पीजी कर सकते हो। थर्ड इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फोर्थ इज जूलॉजी, देन बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी। जियोलॉजी इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी फेमस डिपार्टमेंट ऑफ डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय। एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अगेन इन माइक्रोबायोलॉजी यूजी इज़ नॉट अवेलेबल। अभी एक साल पहले ही इसमें यूजी जो है वो बंद कर दी गई है, सिर्फ पीजी कर सकते हैं आप। एंड ज्योग्राफी, तो ये सारे आपके पास में ऑप्शंस होते हैं। मान लीजिए आपने फॉरेंसिक साइंस आप करना चाहते हैं तो फॉरेंसिक साइंस के साथ में आपको कुछ सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन मिलते हैं। सो ड्यूरिंग द काउंसलिंग सेशन यू हैव टू चूज द सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन जो आप चाहते हो, जो आप लेना चाहते हो, आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल रहता है। बट फॉर दैट यू नीड टू गेन गुड मार्क्स इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट कोर्स की बात करेंगे। तो नेक्स्ट कोर्स जो हमारा है दैट इज़ बीसीए, विच इज़ बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसकी एवरेज ड्यूरेशन 3 साल की होती है, 3 ईयर कोर्स है। इसकी जो फीस होती है इट इज़ 12,000 to 14,000 पर सेमेस्टर। मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट इज 10+2 इन पीसीबी और पीसीएम। परसेंटेज आपको 50% मिनिमम होना चाहिए और ये जनरल कैटेगरी के लिए है। 5% रिलैक्सेशन मिलता है फॉर अदर कैटेगरीज। एडमिशन कैसे होगा, एडमिशन इज ऑलवेज थ्रू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। हम जितने भी कोर्सेज की बात कर रहे हैं सब चीज़ों के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो आप अलग एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। और सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप अपीयर हो सकते हो, देर इज़ नो बाउंडेशंस। अब अगर हम एक बढ़िया कोर्स की बात करें जो अभी अभी कुछ साल पहले ही यूनिवर्सिटी ने लॉन्च करा है, इट इज़ बीएससी बीएड कोर्स। दिस इज़ अ वेरी गुड कोर्स जिसमें आपको बीएससी और बीएड दोनों डिग्रियां एक साथ दी जाएंगी और इसका एवरेज ड्यूरेशन है 4 ईयर्स। इसकी एवरेज फीस है अप्रॉक्स 13,000 और मिनिमम रिक्वायरमेंट वही 10+2 इन पीसीबी और पीसीएम। और परसेंटेज जो है दैट इज 50% इन 12th। एडमिशन इज ऑलवेज थ्रू द एंट्रेंस एग्जाम। अब बात ही आती है बीएससी बीएड में सीट्स लिमिटेड होती हैं, तो आपको लिमिटेड सीट्स को अगर कैप्चर करना है देन यू नीड टू गेन वेरी गुड मार्क्स इन योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब हम बात करेंगे बीए की। इसमें भी अगर हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करें तो जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज़ बिलो 3000 पर सेमेस्टर। आपके पास में ऑप्शंस कौन कौन से हैं, वेरी गुड ऑप्शन इज़ क्रिमिनोलॉजी। अगर आप क्राइम्स के बारे में जानना चाहते हो, आप पुलिस साइंस के बारे में जानना चाहते हो, देन यू कैन चूज़ क्रिमिनोलॉजी एज द सब्जेक्ट इन बीए। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है ये। एंथ्रोपोलॉजी इज़ ऑल्सो वन ऑफ दी वेरी गुड सब्जेक्ट। जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश लिटरेचर, पोलिटिकल साइंस,
थिएटर, म्यूजिक एंड योगा, इन सारी चीज़ों में आप बीए कर सकते हो। आपके पास में इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, ये सारे कोर्सेज आपके लिए ओपन हैं, आपके लिए ऑप्शंस खुले हुए हैं, आप जो भी चूज करना चाहो आप इनमें से चूज कर सकते हो। ऑल यू नीड टू डू इज यू जस्ट हैव टू गिव द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बीए। ओके, तो आपके पास भी ये सारे ऑप्शंस ओपन हैं। अगर आप बीए करना चाहते हो, अगर आपको योगा में इंटरेस्ट है तो आप वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, म्यूजिक में है तो वो कर सकते हो, इंग्लिश लिटरेचर में कर सकते हो, क्रिमिनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी एंड ऑल दीज आर गिवन हियर। अब हम अगले कोर्स की बात करेंगे, दैट इज BA LLB ऑनर्स। इसका एवरेज ड्यूरेशन है 5 ईयर्स। एवरेज फीस जो है दैट इज अप्रोक्स 10,000 पर सेमेस्टर। मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट इज अगेन 10+2। मिनिमम परसेंटेज जो इसमें चाहिए होता है दैट इज द सेम 50% इन 12th एंड द एडमिशन इज थ्रू द यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है और यूनिवर्सिटी जो है सागर यूनिवर्सिटी या फिर डॉक्टर हरि सिंगौर विश्वविद्यालय, ये BA LLB दैट मीन्स कि लॉ ऑनर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, काफ़ी बढ़िया डिपार्टमेंट है। आप चाहें तो आप इस एग्ज़ाम को देके, एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग से होता है, सारे सब्जेक्ट्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग से होता है, कॉमन नहीं होता है, सब्जेक्ट वाइज एंट्रेंस होता है। तो आप जो भी कोर्स ऑप्ट करना चाहते हो आप उसका एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। नेक्स्ट कोर्स इज LLB। ये 3 साल का कोर्स होता है। इसकी जो एवरेज फीस होती है ये BA LLB से कम होती है, विच इज 5300 पर ईयर। ठीक है, ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है, इट चेंजेस। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू कैटेगरी ऑल्सो, फीस इज ऑलवेज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। ओके, सो द एवरेज फीस विच आई एम टेलिंग यू इज फॉर द जनरल कैटेगरी एंड फॉर द अदर कैटेगरीज देर इज अगेन सम रिलैक्सेशन इन द फीस स्ट्रक्चर। मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट इज अगेन 10+2, मिनिमम परसेंटेज इज 50%, एडमिशन इज थ्रू द यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। नेक्स्ट इज BBA। अगर आप सभी लोग बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहते हो तो आपके पास में ऑप्शन है BBA, आप चूज कर सकते हो। 4 साल का प्रोग्राम होता है। एवरेज फीस इज अगेन 13,000 पर सेमेस्टर। एकेडमिक रिक्वायरमेंट इज 10+2 इन कॉमर्स स्ट्रीम, 50% इन 12th एंड अगेन एडमिशन प्रोसेस इज थ्रू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। नेक्स्ट इज BCom। अगर आप BCom करना चाहते हो तो आप इसका भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। एवरेज ड्यूरेशन इसका 4 साल का होता है। फीस जो है ये लगभग 3,000 रुपये पर सेमेस्टर, 3,000 पर सेमेस्टर रहती है। मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट इज 10+2 इन कॉमर्स एंड मिनिमम परसेंटेज इज 50% इन 12th। अगला जो कोर्स आपके लिए अवेलेबल है दैट इज बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स दैट यूनिवर्सिटी ऑफर्स यू। इसका एवरेज ड्यूरेशन 4 साल का होता है। अगर एवरेज फीस जो है दैट इज 6,000 to 7,000 पर ईयर। मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट इज 10+2, मिनिमम परसेंटेज 50% इन 12th एंड एडमिशन प्रोसेस इज थ्रू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, सागर यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर हरि सिंगौर विश्वविद्यालय में अगर आपको एंटर होना है तो आपको जो भी कोर्स ऑप्ट करना है आपको उस कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और फिर आप यूनिवर्सिटी में एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट इज बैचलर ऑफ आर्ट्स प्लस बैचलर ऑफ एजुकेशन, दैट इज BA BEd। ठीक है, BA BEd ये भी एक कोर्स जो है ये अवेलेबल है। 5 साल का कोर्स होता है। एवरेज फी जो है वो 6,000 रुपये पर ईयर होती है। मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट इज अगेन 10+2, मिनिमम परसेंटेज इज 50% एंड एडमिशन प्रोसेस इज थ्रू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। नेक्स्ट इज बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये एक कोर्स है जो आप कर सकते हो, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसका भी एवरेज ड्यूरेशन 3 साल का होता है। एवरेज फीस इज 5,300 पर ईयर। मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट इज 10+2, मिनिमम परसेंटेज इज 50% इन 12th एंड एडमिशन प्रोसेस इज थ्रू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। अगला जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, इट इज जर्नलिज्म। अगर आप जर्नलिज्म में इंटरेस्टेड हो, आप इस चीज में आगे बढ़ना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको ये कोर्स भी मिलता है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म। एवरेज ड्यूरेशन इज 1 ईयर। एवरेज फीस इज 5,000 पर ईयर। मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट इज 10+2, मिनिमम परसेंटेज इज 50% इन 12th एंड एडमिशन प्रोसेस इज थ्रू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो ये सारे कोर्सेस मैंने आपको बताए जो कि यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं और काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा कुछ कोर्सेज के बारे में और कौन कौन से डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं। सो वन इज फार्मेसी,
Second is law department. Third is criminology and forensic science department. Fourth is microbiology. And fifth one is geology and BBA. ठीक है, business management department जो है वो भी काफ़ी अच्छा department है. तो ये कुछ department हैं जो काफ़ी ज़्यादा famous है. Apart from these, बाकी जो departments हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा famous हैं और काफ़ी अच्छे department हैं. सागर यूनिवर्सिटी या डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय जो है वो सागर में, सागर सिटी में प्रेजेंट है. अब क्या होता है, काफ़ी सारे लोग अपने अंदर मिसकंसेप्शन ये बना लेते हैं कि सागर यूनिवर्सिटी जो है एक छोटी सी जगह पे है, एक सागर शहर में है जो कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है. बट दिस प्लेस इज़ द बेस्ट प्लेस, आई एम टेलिंग यू, काफ़ी अच्छी जगह है. सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब आप आएंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप एक छोटे शहर में आए हो. ये काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है और बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है. प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्लेसमेंट्स भी आपको अच्छे, बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स यहाँ पे मिलते हैं. कैंपस आते रहते हैं, कैंपस सिलेक्शन होता है और बहुत अच्छे पैकेज के साथ में आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है. क्योंकि आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो ये यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी होगी. तो अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है या आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको ये यूनिवर्सिटी ऑप्ट करना चाहिए या नहीं, तो आप इस वीडियो को देख के हो सकता है कि आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएं. और उसके अलावा आप जो भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा. और आप और क्या जानना चाहते हैं डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. साथ ही में आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट करती रहती हूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.